हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से कुछ सब्जियां जिन्हें पत्ते होते हैं उन्हें मराठी में क्या कहते हैं और उर्दू में किस नाम से पुकारा जाता है। इसी तरह अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि अलग अलग दूसरी सब्जियों को मराठी और उर्दू में किस तरह पुकारा जाता है। तो चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए। और सबसे पहले हम बात करेंगे हरी और लाल, तीखी तीखी, जो सबको पानी की याद दिला देती है, यानी मिर्ची। हम मिर्ची को उर्दू में मिर्ची कहते हैं और इसे मराठी जबान में भी मिर्ची ही कहा जाता है। इसके बाद आते हैं हम सबकी पसंदीदा, यानी लाल लाल गाजरे। उर्दू जबान में इसे हम गाजर कहते हैं और मराठी जबान में भी हम इसे गाजर ही कहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे बहुत ज्यादा पसंदीदा, जिन्हें हम नमक और मिर्ची लगाकर बहुत चाव से खाते हैं, यानी के ककड़ी। हम इसे उर्दू जबान में खीरे या ककड़ी कहते हैं और इसे मराठी जबान में ककड़ी कहा जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऐसी सब्जी की जो के हर खाने का स्वाद को बढ़ा देती है। बिल्कुल सही, नींबू। नींबू एक ऐसी सब्जी है जो हम हर खाने में डालना पसंद करते हैं। नींबू को मराठी में नींबू कहा जाता है और उर्दू में भी हम इसे नींबू ही कहते हैं। इसके बाद आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी कि बहुत ही ज्यादा अहमियत रखने वाली सब्जी, यानी जिसे हम कहते हैं प्याज। उर्दू में हम इसे प्याज कहते हैं और मराठी में इसे कहते हैं कांदा। क्या कहते हैं? कांदा। इसके बाद आता है जैसे हमारी गाजर दिखती है, यानी गाजर का भाई या बहन आप कह लो, यानी के मूली। हम इसे उर्दू जबान में मूली या मूला कहते हैं और इसे मराठी में मूड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूड़ा। इसके बाद हम बहुत सारी सब्जियों में से मिलाकर खाते हैं, यानी के बैंगन। हम इसे उर्दू जबान में बैगन कहते हैं और मराठी में इसे वांगी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं छोटे छोटे हरे हरे और गोल गोल, जो एक फल्ली के अंदर बंद होते हैं, यानी मटर की फल्ली। इसे उर्दू में मटर की फल्ली कहा जाता है और मराठी में भी मटर कहा जाता है।